बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके लगातार पुलिस मुख्यालय मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में तकरीबन सुबह 9 बजे से ही बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और आईजी पटना के एसएसपी सीटीएसपी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए किस प्रकार से डीजीपी की जो गाड़ी है और जो जानकारियां अभी तक मिली है कि सुबह 9 से 9:30 बजे के तकरीबन आरएस भट्टी पूरे दलबल के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद लगातार जो क्राइम मीटिंग है वो लगातार जारी है। और हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है और जिसको लेके लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है। और इस पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए जो जानकारियां मिली है, देखिए ये आईजी राकेश कुमार राठी जो आईजी हैं उनके कार्यालय में लगातार बैठक की जा रही है और 8 से 9 घंटे बैठक लगातार जो है वो चल रही है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये अभी तक की बैठक सबसे ज़्यादा देर चलने वाली है, 9-10 घंटे लगातार बैठक चल रही है। और सीधे तौर पे जो बैठक है उसको लेके लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि बिहार में जिस प्रकार से लगातार जो अपराध के घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है उसको लेके किस प्रकार से रणनीति बनाया जाए, किस प्रकार से प्लानिंग तय किया जाए ताकि अपराध के ग्राफ पर सीधे तौर पे अंकुश लगाया जा सके। और कुछ देर में अगर बिहार के डीजीपी नीचे उतरेंगे तो उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ पटना के सिटी एसपी एसएसपी तमाम जो आला अधिकारी है उनको किस प्रकार से क्या कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, क्या कुछ आदेश दिया गया। लेकिन इतना जरूर तय है कि काफ़ी घंटों तक बिहार के जो डीजीपी है आरएस भट्टी उन्होंने बैठक की है और तमाम इस बैठक में पटना के एसएसपी सिटी एसपी तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद है। रोहित दर्शन पटना।